हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए हम जानेंगे सीरीज सर्किट के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, उसके बारे में ये वीडियो मैंने बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता है कैसे उसको सॉल्व किए जाते हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर आपको उसके बारे में पता था, ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, ये वीडियो मैंने स्पेशली जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल लूँगा, यानी सब लोग आसानी से सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्किट लेंगे जो सीरीज सर्किट है। जैसे सीरीज सर्किट जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक सर्किट जो रेखा होती है उसके अंदर उसका जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उसको सीरीज सर्किट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज सर्किट हो गई। ये हमने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, बैटरी लगा दी। तो यहाँ पे 120 वोल्ट का हम वोल्टेज ले लेते हैं, 120 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पे 2 ओम, इसके बाद हम लेंगे 4 ओम, और यहाँ पे अलग से फिर से ये 4 ओम ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम और एक 120 वोल्ट। ठीक है, तो ये सीरीज सर्किट है। ठीक है, सीरीज सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके अंदर जो करंट रहता है वो सेम ही रहता है, टोटल करंट, और ये I1, I2, I3 करंट भी सेम ही रहेगा, मगर वोल्टेज अलग अलग रहता है। यानी यहाँ पे आप वोल्टेज मेजर करोगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी अलग आएगा, यहाँ पे भी जो आएगा वो अलग आएगा, ये दोनों सेम, तो यहाँ पे वोल्टेज दोनों का सेम आएगा। ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम चेक जो सॉल्व करेंगे आर टोटल, यानी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा वो हम फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारा टोटल करंट, ठीक है, ये टोटल करंट कितना होगा ये सर्किट में उसे फाइंड करेंगे। I1 या I2 करंट हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि टोटल करंट इज इक्वल टू I1, I2 और I3, यानी जो इसके अंदर करंट सेम ही रहेगा। कोई भी सर्किट, कोई भी आप यहाँ पे बल्ब लगा दो 20, 40 या 100 वोल्ट के, तो आपका करंट सेम ही रहेगा सीरीज सर्किट में। ठीक है, सिर्फ वोल्टेज अलग अलग रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। यानी हमें आई टोटल फाइंड करना है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे वोल्टेज ड्रॉप। यानी जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर से चेक करोगे VR1, तो अलग से आपको जो भी वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो अलग अलग वोल्टेज रहेगा। इसके लिए हम VR1 फाइंड करेंगे, VR2 फाइंड करेंगे और VR3 भी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें फाइंड करो। इसके बाद हम पावर फाइंड, टोटल पावर फाइंड करेंगे। इसके बाद अगर आपको ये सिर्फ ये सर्किट का पावर फाइंड करना है तो P1 फाइंड करेंगे, इसका करना तो P2 फाइंड करेंगे, और ये तीसरा रेजिस्टेंस का पावर फाइंड करना P3 करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे, तो आपको पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है सीरीज सर्किट का, था आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं क्योंकि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस ही सर्किट में लगे इसकी वजह से। तो इसका सिंपली हम प्लस कर देंगे, 2 प्लस 4 प्लस 4, यानी टोटल आंसर हुआ 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर मिल गया हमें। इसके बाद हम टोटल करंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज तो हमें पता ही है, वोल्टेज बस 220 120, ठीक है, जो हमने वोल्टेज दिया है मेन वोल्टेज। तो और टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया है, और टोटल करंट फाइंड करना बाकी, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है। ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 120 वोल्ट डिवाइड बाई 10, यानी टोटल 12 एम्पियर करंट आएगा टोटल। और इसी तरह अगर इसको आप ऐसे भी लिख सको, आई टोटल इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि करंट हमारा सेम ही रहेगा सीरीज सर्किट में। ठीक है, यानी हमारा 12 एम्पियर I1 भी आएगा, I2 और I3 भी आएगा। ठीक है, तो ये हमने ये चीज़ ये भी फाइन कर दी। इसके बाद हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, I इज इक्वल टू V बाई R। और यहाँ पे हमें पहले के लिए वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है ये 2 ओम के लिए, तो यहाँ पे VR1 लेंगे और यहाँ पे VR1 लिखेंगे, ये फाइंड करना है। और ये टोटल करंट जो भी आप I1 भी लिख सकते हो, ठीक है, टोटल सेम ही रहेगा, इसलिए तो हम I1 लिख देते हैं। यानी हमें अभी फाइंड करना है VR1 इज इक्वल टू I1, ये यहाँ पे जाएगा R1। तो टोटल करंट और ये I1 हमें पता ही है 12 एम्पियर, ठीक है, और R1 कितना, 2, यहाँ होगा 24 वोल्टेज। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल गया, ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VR1 इतना आएगा। इसके बाद सेम चीज़ हम दूसरे कर उसके लिए फाइन करेंगे, I2 इज इक्वल टू VR2, और R2 लिखेंगे, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का मेजर करेंगे, R2 और जो 4 ओम दिया वो, तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे, VR2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। I2 हमारा 12 एम्पियर ही आएगा, सेम ही रहेगा करंट, सब में सेम रहेगा, और जो R2 है वो 4 है। ठीक है, तो टोटल हमारा आएगा 48 वोल्ट VR2, यानी ये हमें वोल्टेज ड्रॉप VR2 भी मिल गया। इसके बाद हम तीसरा फाइन करेंगे डायरेक्ट, ये मैं फॉर्मूला रख देता हूँ यहाँ पे, VR3 इज इक्वल टू I3
और आरती, आई थी भी हमारा 12 एम्पीयर ही आएगा क्योंकि हमारा करंट सेम ही रहे सीरीज सर्किट में, और आरती हमारा 4 ओम है, ठीक है। तो और ये भी 48 वोल्ट, यानी कि हमें वी आर थी मिला वो भी 48 वोल्टेज मिला, ठीक है। अब हम टोटल वोल्टेज कर देते हैं, वो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, यानी तीनों का हम प्लस करेंगे, 24 प्लस 48 प्लस 48 6, तो टोटल हमारा आएगा 120 वोल्ट, यानी हमने जो भी सॉल्यूशन किया वो सही है, ये 120 वोल्ट मिल गया, ठीक है। यानी हमने VR1 भी फाइंड किया, VR2 भी मिल गया, हमें VR3 भी मिल गया, ठीक है। अब हम पावर फाइन करें, टोटल पावर फाइन करेंगे और P1 P2 P3 भी फाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो टोटल फाइन फ्रेंड्स, जो टोटल पावर का फॉर्मूला है, P टोटल इज इक्वल टू V इंटू I, टोटल वोल्टेज टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज तो हमें पता है यहाँ पे हमारा जो 120 वोल्टेज है वो हम देंगे 120 वोल्ट, और टोटल करंट ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे 12 एम्पियर का, ठीक है। ये तो ये हम 12 एम्पियर लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा टोटल हमें मिलेगा 1440 वाट पावर, टोटल पावर हमें इतना मिलेगा, ठीक है। 1440 वाट हमें पावर मिलेगा। ये तो हमने टोटल पावर फाइंड किया पूरी ये सर्किट का, मगर हमें ये P1 फाइंड करना है, ये 2 ओम के लिए, 4 ओम के लिए और 4 ओम के, तो कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका भी सिंपल वही फॉर्मूला फ्रेंड्स, P1 इज इक्वल टू VR1 इंटू I1, ठीक है। I1 यानी I टोटल हमारा सेम ही करंट है, 12 एम्पियर है ये हमारा, और VR1 जैसे हमने ये फाइन किया, VR1 कितना 24 वोल्ट हमने फाइन किया, यानी 24 इंटू 12, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें मिलेगा 288 वोल्ट P1, ठीक है। इसी तरह हम P2 को फाइन कर देते हैं, ठीक है। P2 हमें मिलेगा VR2 इंटू I2 टोटल जो भी लिखना है, और VR2 हमें मिला था यहाँ पे 48 वोल्ट, 48 इंटू 12, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 576 वोल्ट, ठीक है, P2। और P3 और P2 सेम ही है, यानी P3 भी हमें इतना ही मिलेगा, 576 वोल्ट, ठीक है। अभी तीनों का हम टोटल करेंगे, P टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P1 हमारा है 288 प्लस 576 प्लस 576, और हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें 1440 वाट पावर मिल जाएगा। यानी हमने जितना भी सब फाइंड किया, सॉल्व किया, वो सही है, ठीक है। अगर इनका सॉल्यूशन है तो इतना मिल जाएगा, यानी हमने ये सभी चीज़ें फाइंड की, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया, टोटल करंट फाइंड किया, वोल्टेज ड्रॉप भी फाइंड किया, ठीक है, टोटल वोल्टेज भी देख लिया, टोटल पावर भी देख लिया, P1 P2 P3, ये सारी चीज़ें आप सीरीज सर्किट में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने वो काफ़ी सिंपल एग्जांपल लिया, अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला वीडियो मैं इसके पैरेलल सर्किट पे बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मैं जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।